हेलो गाइस, अगर आपको इस सीरीज या फिर आपको किसी भी सीरीज का नेक्स्ट पास चाहिए हो तो उस वीडियो पे भर भर के लाइक और कमेंट कीजिए। यानी कि इस वीडियो पे आप भर भर के लाइक और कमेंट कीजिए ताकि हम इस सीरीज का भी नेक्स्ट पास जल्दी ला सके। बाकी हाँ, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको इस सीरीज का या फिर किसी भी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो। खैर, सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं एक बंदा जो कि लगभग मरने के हालत में ही था और हमें उसका नाम बताया जाता है जो कि होता है सेल कूपर। वही एक बंदा सेल कूपर को बोल रहा था, सेल कूपर तुमने अपने फैमिली को धोखा दिया है और चुपके से दुश्मन के साथ हाथ मिलाया अपने फायदे के लिए। फिर वो बोलता है, अब क्योंकि मैं इस फैमिली का न्यू हेड हूँ तो मेरा ऑर्डर है कि सेल कूपर तुम्हारा अभी तुरंत के तुरंत एग्जीक्यूशन कर दिया जाए। ये सुनकर सेल कूपर गुस्से में सारे सोल्जर से फाइट करते हुए उस आदमी जो की इस फैमिली का न्यू हेड है उसकी गला काटने वाला ही होता है कि तभी पीछे से सोल्जर सेल कूपर के चेस्ट में तलवार डाल देते हैं। वही सेल कूपर अपने मन में सोचता है, मैंने अपना पूरा लाइफ इस परिवार के नाम कर दिया था लेकिन अंत में मुझे यही परिवार ने धोखा दे दिया और अब मैं एक बेसहाय मौत मरने वाला हूँ। जिसके बाद सेल कूपर अपने अंतिम समय में बोलता है, मैं सेल कूपर, अगर मुझे दूसरी लाइफ मिली तो मैं तुम सब गद्दारों का सर धड़ से अलग कर दूंगा। जिसके बाद सेल कूपर वहीं पे खत्म, टाटा बाय बाय, गया काम से। और फिर जब सेल कूपर अपना आँख खोलता है तो वो अपने आप को कहीं और ही पाता है, जिसके बाद वो तुरंत फाइटिंग पोज में सीरियस हो जाता है और बोलता है, ये कौन सा जगह है, क्या ये नर्ग है? और बोलता है, लेकिन ये जगह मुझे इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है? तभी उसके पूरे शरीर पर कोई पानी फेंक देता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ एक मोटी गुस्सेल औरत थी जो कि सेल कूपर से बोलती है, जल्दी जाओ और स्नान ध्यान करो, कोई तुम्हें जल्द ही लेने आ रहा है। लेकिन इधर सेल कूपर एकदम किलर अंदाज में उस औरत को देखने लगता है, जिसपे वो औरत सेल कूपर को एक जोरदार तमाचा मार के कहती है, मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहा है वे चूजे, अच्छे से बड़ा भी नहीं हुआ है, चला है मुझसे वीर ने। ये सुनकर सेल कूपर भी थोड़ा शौक हो जाता है कि ये मोटी औरत क्या बोल रही है, पर वो जब अपना रिफ्लेक्शन नीचे गिरे पानी में देखता है तो वो थोड़ा शौक होता है, लेकिन फिर उसके बाद वो काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि वो पास्ट में आ चुका है जब वो 3 साल का था। और फिर वो हमें अपने पिछले लाइफ के बारे में बताता है कि मेरे पिछले लाइफ में मैं कूपर फैमिली का शैडो था। बोलता है, बजाय दूसरे शैडो के मैंने सबसे ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है। और बोलता है कि शैडो का काम होता था अपने परिवार के लिए मर्डर, जासूसी जैसे गंदे काम आम बात होती थी शैडो के लिए। हाँ, लेकिन इसके बदले में परिवार भी हमें काफी धन और सम्मान देती थी। फिर वो बोलता है, ये सब इसलिए दिया जाता था ताकि शैडो भी मन लगा के मेहनत से सब काम करे। अब क्योंकि मैं परिवार का नाजायज औलाद था इसीलिए मुझे हमेशा बाकी परेशान क्या करते थे और मैं इस चीज को बदलना चाहता था, इसीलिए मैं अपना टैलेंट को बनाने के लिए पूरा नर्क जैसा ट्रेनिंग किया, लेकिन फिर भी कोई मुझ पे ध्यान नहीं देता था, इसीलिए मैंने परिवार के लिए जी जान से फाइट किया और मैंने परिवार के सारे आदेशों का अच्छे से पालन किया। मैंने परिवार के सारे दुश्मनों का सर काट दिया और उसके शहर को बर्बाद कर दिया। मैं लड़ता रहा तब तक जब तक कि मैंने परिवार की हर लड़ाई में जीत न हासिल कर ली। मैंने सोचा था कि मुझे ये सब के बदले कुछ बड़ा रिवार्ड मिलेगा, लेकिन मुझे मिला भी तो क्या, परिवार से झूठा इंजाम और धोखा। मैंने अपना जीवन का कड़वा सच तो अपने आखिरी समय में सीखा जब वो आदमी, गाइस ये वही आदमी है जो सेल कूपर का एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दिया था और अपने कूपर फैमिली का न्यू हेड बना था। खैर, तो जब वह सेल कूपर का एग्जीक्यूशन का ऑर्डर देने वाला था उससे पहले वह सेल कूपर को एक कड़वा सच बताता है। वो बताता है कि जिस दिन से तुम शैडो बने थे उसी दिन मैंने तुम पे शैडो ओट कास्ट किया था। गाइस, ये शैडो ओट एक ऐसा ओथ है जिसमें जो शैडो ओथ कर रहा है उसे बस अपना खून का एक बूंद ही बस देना होता है और जिस पे भी ये ओथ हो रहा है उसका पावर और स्ट्रेंथ जो भी वो आगे ट्रेनिंग से प्राप्त करेगा वो लगातार उस बंदे पे ट्रांसफर होता रहेगा जिसने ये ओथ किया है, और जितना भी डैमेज उस बंदे को होगा जिसने ये ओथ किया है वो सारा डैमेज उस बंदे पे ट्रांसफर हो जाएगा जिस पे ये ओथ हुआ है। और फिर हम आते हैं वही समय पे जहां सेल कूपर गुस्से में अपने बचे खुचे ताकत से इस फैमिली के न्यू हेड पे अटैक कर दिया था, लेकिन उसके हेड को जो भी डैमेज लगा था वो डैमेज ऑटोमेटिकली सेल कूपर पे ट्रांसफर हो जाता है। जिसके बाद गाइस हमें यहाँ एक चीज तो पता चल ही जाती है कि कूपर फैमिली का न्यू हेड एलन था। उसके बाद फिर से हमें सेल कूपर की आवाज सुनाई जाती है जिसमें वो बोलता है, हालांकि मैं रिवर्स शैडो और ब्लड मैजिक को समझ गया और एलन द्वारा छीने गए मेरे सारे एबिलिटीज को मैंने वापस ले लिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, जब तक मैं ये समझा तब तक मेरा लाइफ खत्म हो चुका था। उसके बाद फिर हम देखते हैं 3 साल का सेल कूपर जो कि बोल रहा था, लेकिन इस लाइफ में मैं कसम खाता हूँ मैं वो गलती वापस नहीं करूंगा जो मैंने पिछले लाइफ में की थी। उसी वक्त सेल कूपर के पेट से आवाज आने लगती है जिसे सुनकर सेल कूपर रियलाइज करता है कि वो 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। फिर वो अपने साइड में एक चूहा को देखता है जिसे देख वो एक एविल स्माइल के साथ बोलता है, चलो मिल गया स्वादिष्ट खाना। फिर जब वो उस चूहे को पकड़ रहा होता है कि तभी उसके पीछे से 2 गार्ड आते हैं और उसे बोलते हैं, ओए चूजे, मास्टर एलन तुम्हें देखना चाहते हैं, चलो हमारे साथ। फिर वो दोनों गार्ड सेल को पकड़ के ले जाने लगते हैं
हैं, जहाँ सेल अपने मन में सोचता है, पिछले लाइफ में जब मुझे ये लेने आए थे तो मैं एक शैडो बनने के लिए चुना गया था और मुझे अभी भी याद है कि मुझ पे ब्लड मैजिक का शैडो ओथ किया गया था। फिर वो एक स्माइल के साथ बोलता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बोलकर सेल वो दोनों गार्ड का हाथ अपने दांतों से काटता है। फिर वो दोनों गार्ड से छूट के सेल एक छोटा तलवार पकड़ता है और एक गार्ड पे चला देता है। ये देखकर दूसरा गार्ड डर के मारे नीचे बैठ जाता है। इधर सेल तलवार को पकड़ के बोलता है, समय आ गया है अपना बदला लेने का। खैर, उसके बाद हमें वही शैडो ओथ के बारे में बताया जाता है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन हमें यहाँ एक चीज बताया जाता है कि क्योंकि इस टाइप के मैजिक काफी क्योर नेचर होते हैं, इसलिए एम्पायर ने 100 साल पहले ही इसकी सारी बुक को नष्ट कर दिया था ताकि कोई भी शैडो ओथ यूज ना कर सके। खैर, फिर हम देखते हैं एलन को, हाँ वही जो बड़ा होकर इस फैमिली का न्यू हेड बना था। खैर गाइस, एक बार सुन लो, जो ये एलन है वो कूपर फैमिली का वारिस है। फिर हम देखते हैं एलन वही गार्ड को थप्पड़ मारता है जो सेल को लेने गया था और बोलता है, एक चूजे से डर गए तुम, जिसपे वो गार्ड कहता है, सॉरी यंग मास्टर। जिसके बाद एलन सेल की तरफ जाके कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को टच करने की, और वो एक डेविल स्माइल के साथ बोलता है, ओए कोई इसे जेल में बंद करो। जिसपे दो गार्ड मान भी जाते हैं, पर तभी एलन की मॉम वहाँ आ जाती है। वो एलन को रोकते हुए कहती है, रुको, ये बच्चा को कोई अच्छे से पाला नहीं है तो इसका ऐसा थोड़ा पागल होना आम बात है, लेकिन ये इसके पनिश करने का सही समय नहीं है, और यहाँ इम्पोर्टेंट चीज है ओट टेकिंग सिरोमनी। फिर उसकी माँ एलन से बोलती है, भूलो मत कि मैंने तुमसे क्या कहा था। फिर वो एलन के कान के पास जाके कहती है, आज के आज ही हमें ये खत्म करना होगा एलन। जिसके बाद एलन सोचता है, मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है कि मेरी माँ इन सभी कमीने बच्चों को ही मेरा शैडो बनने के लिए क्यों चुना। खैर, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं इस चीज को खत्म कर दूंगा। उसके बाद वो भी एक स्माइल के साथ अपनी मॉम को हाँ में जवाब देता है। फिर उसकी मॉम बोलती है, ठीक है, तो तुम्हारी मॉम यहाँ से सारे लोगों को यहाँ से बाहर निकाल देगी ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो, हमारे फैमिली के फ्यूचर हेड। फिर उसकी मॉम गार्ड को बोलती है, इस जगह को खाली करो और यहाँ के अराउंड साउंड प्रूफिंग स्पेल लगाओ ताकि कोई भी यंग मास्टर को डिस्टर्ब ना कर सके। फिर गार्ड भी वैसा ही करते हैं जैसा एलन की माँ ने उससे बोला। अब गाइस, साउंड प्रूफिंग स्पेल लगाने से ना तो एरिया के अंदर आवाज जाएगी और ना ही उस एरिया से बाहर आवाज आएगी। जिसके बाद एलन सभी बच्चों को कुछ पीने को देता है और बोलता है, आज से तुम सभी शैडो आर्मी के मेंबर हो, चलो हम सब एक शपथ लेते हैं परिवार के लिए। जिसके बाद वे सारे बच्चे बोलते हैं, सिवाय सेल को छोड़ के, सेल कुछ नहीं बोलता। खैर, बाकी बच्चे बोलते हैं, शैडोज के नाम पर हम कसम खाते हैं, हम अब से अपना पूरा जिंदगी इस परिवार के नाम कर दिया है। वो पीते ही सारे बच्चे बेहोश हो जाते हैं। फिर एलन अपने अंगूठे में चाकू लगाते हुए बोलता है कि हाँ, क्या बेवकूफ बच्चे हैं, समझ भी नहीं पाए कि कौन होली वाटर है और कौन ड्रग वाटर। खैर, इसके बाद एलन उन सभी पे शैडो ओट कास्ट करने लगता है। अब आप सभी को पता ही होगा कि शैडो आर्ट से सारे बच्चे का पावर, स्ट्रेंथ और उसका आगे का ट्रेनिंग से मिला पावर इस एलन में ट्रांसफर हो जाएगा और ये एलन को जितना भी डैमेज लगेगा वो इन सभी बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये शैडो ओट के कारण वो सभी बच्चों का पावर एलन में ट्रांसफर हो रहा था, जिसके कारण एलन अपने आप को काफी पावरफुल फील कर रहा था। और इतना पावर मिलने के बाद वो इतना खुश हो जाता है कि वो तुरंत ये बात अपनी मॉम को बताने के लिए जाने लगता है। लेकिन जब वो जा रहा होता है कि तभी उसका पैर पैरालाइज हो जाता है और वो अपना पैर को मूव नहीं कर पा रहा होता है। फिर वो अपने मन में सोचता है, ये क्या हो रहा है, क्या ये शैडो ओट का आफ्टर इफेक्ट है, लेकिन मॉम ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। जिसके बाद वो रोते हुए अपनी मॉम को याद करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से सेल की आवाज आती है जो कहता है कि तुम सच में कायर हो जो कि सिर्फ अपनी मॉम के पीछे छिपना जानता है, लेकिन अब चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, तुम्हारी मॉम ने यहाँ पहले ही साउंड प्रूफ स्पेल लगा दिया है, वो आप तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाएगी। जिसके बाद सेल कूपर प्योर डेविल लग रहा होता है, जहाँ एलन रोते हुए सेल से पूछता है, सेल कूपर तुम उठ कैसे गए और तुम्हें शैडो ओट के बारे में कैसे पता है। ये सुन के सेल बोलता है, ओह क्या तुम डर गए, मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ। फिर वो एक किलर लुक के साथ बोलता है, अब मैं इस शैडो ओट को रिवर्स करूंगा और तुम पे ही ये शैडो ओट करूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा फील होता है। इसके बाद वो जमीन पर जोर से तलवार भोंक देता है, जिसके कारण एलन के हार्ट में पेन होने लगता है। फिर एलन सेल से पूछता है, तुम क्या करने जा रहे हो, जहाँ सेल एविल स्माइल के साथ बोलता है, मैं क्या करने जा रहा हूँ। फिर वो अपने मन में सोचता है, मेरे पिछले लाइफ में तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था, लेकिन इस लाइफ में मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। खैर गाइस, इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ हमें एक चीज तो पता चल जाता है कि सेल ने एलन को अपना शैडो बना लिया है, मतलब सेल ने एलन पर शैडो ओट कास्ट किया है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि एलन का आवाज मेंशन से बाहर आ रहा होता है।
जहां गार्ड एलन के मॉम से बोलता है, मैडम साउंड स्पेल टूट गया है। ये सुन के एलन के मॉम घबराते हुए एलन का नाम पुकारती है। खैर गाइस, अभी के लिए इतना ही। बाकी अगले पार्ट में हम देखेंगे कि क्या एलन ये सब बात अपनी मॉम को बताएगा या फिर उसको कुछ याद ही नहीं। बाकी सब्सक्राइब करना ना भूले और वो बेल आइकन भी दबाना ना ही भूले।